हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 53 के अंदर आ चुके हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम HTML जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम आपको मैथ के प्रोग्राम फंक्शन में स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं, आज हम आपको सिखा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर स्क्वायर रूट किस तरीके से वैल्यू को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू होती है इसको स्क्वायर रूट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, इसका एक हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, जिसकी सहायता से आप कोई भी वैल्यू को बड़े आसान तरीके से, एनी वैल्यू को आप स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, 225 का 15 होता है, ये आपको पता है पहले से ही। बट होता कैसे है ये आज हम आपके सामने प्रोग्राम्स बिल्कुल सामने आपको बना के दिखाएंगे किस तरीके से ये कार्य करता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल को पर, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, फटाफट ज़रूर करना है ये सारी चीज़ें, जिसलिए हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो और बनाने का, ठीक है। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी ऐसी ही देखने के लिए। चलते हैं अब, हम नोटपैड हमने ओपन कर लिया सबसे पहले, तो नोटपैड में हमें प्रोग्राम्स बनाना है ये सारा, ठीक है। तो ये तो हमने वो क्लास नंबर जो भी है वही लिखा है, बाकी सब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं, एक स्क्वायर रूट फंक्शन का हम प्रोग्राम बना के आपके सामने दे रहे हैं, तो देख लीजिए कैसा प्रोग्राम बनना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी लिखा है उसके अनुसार हम अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले HTML को ओपन किया, क्लोज कर लिया, और हमने येलो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर पहले से ही रखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं लेस देन ग्रेटर देन के अंदर बॉडी यूज करते हैं, सबसे पहले बॉडी यूज किया, बॉडी के बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है, इसके बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर बॉडी लिखना है, बॉडी के अंदर हमें क्या करना है स्लैश बटन द्वारा इसको यूज करके सही रखना है, मतलब हमारी बॉडी ओपन हो रही है, स्लैश द्वारा उसको क्लोज करके हमने क्लोज कर दिया। अब हमारा जो मेन कार्य होगा वो किसके अंदर कार्य चलेगा, बॉडी के अंदर ही कार्य करेगा। अब हम यहाँ पर कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्क्वायर रूट का बना रहे हैं, तो हमें स्क्वायर रूट का ही फंक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं, जिसकी सहायता से H1 दे देते हैं, और उस हेडिंग को लेस देन ग्रेटर देन के अंदर H1 की सहायता से और स्लैश से हम क्या कर लेते हैं, उसको क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हेडिंग दे रहे हैं वो हमारा क्या बताएगा, किसका हम कार्य करा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा जावा SCRIPT, जावा स्क्रिप्ट मैथ का फंक्शन है, तो MATH लिखेंगे, डॉट क्या फंक्शन है, SQRT, ठीक है। फंक्शन कैसा है, ओनली आपका फंक्शन अंदर, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें हम कोई भी एनी वैल्यू दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, उसका फंक्शन अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा ये हेडिंग शो हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देते हैं, एक पैराग्राफ को शो कराते हैं, जिससे हमारा सही प्रॉपर तरीके से एक डिटेल शो करेगा प्रॉपर रूट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ को हमने पी से क्लोज किया, ओपन किया, और पी को हम जा करके स्लैश बटन द्वारा इसको क्लोज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे, जो भी डेटा लिखेंगे, वो हमारा सारा डेटा वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा पैराग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा मैथ MATH, उसके बाद लिखा डॉट SQRT, फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम कोई भी एक वैल्यू देंगे, उसका नाम होगा क्या, एक्स, जो भी हो सकता है, हम एक्स ले रहे हैं, वाई ले सकते हैं, जेड, जो भी लेना है आप अपने अनुसार ले सकते हैं। उस वैल्यू को कैसा करना है, रिटर्न करना है, तो RETURNS रिटर्न्स द, क्या करना है, रिटर्न्स स्क्वायर रूट SQUARE स्क्वायर रूट ROT। तो हमें यहाँ पे कैसा यूज करना है, एक स्क्वायर बनाना है, उस रूट को वैल्यू को हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। ऑफ कैसी वैल्यू है, एक्स लिया है, तो एक्स हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो एक्स वैल्यू है, एक्स में हम चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू लें चाहे छोटी लें, वो हमारा स्क्वायर रूट निकाल करके कहाँ पर दे देगा, एक्स के साथ में शो कर देगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं मेन, एक क्लास बनाते हैं, पी नाम से पैराग्राफ लिया, स्पेस दिया, आईडी दिया इक्वल टू और इनवाइटेड कॉमा के अंदर हमने लिखा कि ऐसी क्लास हम ले रहे हैं, डेमो नाम से क्लास बना रहे हैं, और उस पैराग्राफ को स्लैश बटन द्वारा पी को हमने पैराग्राफ को क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में हमारा स्क्रिप्ट टैग यूज होगा और स्क्रिप्ट टैग की सहायता से हम उसको लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन के द्वारा स्क्रिप्ट टैब को हम ये क्लोज कर देते हैं। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन में हो गया। अब चलते हैं जो हमने क्लास बना दी, ठीक है, मैथ फंक्शन का डॉट लगा करके एस क्यू आर टी एक वैल्यू रिटर्न बना दिया। अब हमारा मेन रह गया है कि जो बनाने के बाद जो प्रोग्राम आएगा वो हमें आउटपुट द्वारा शो भी तो करना पड़ेगा वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट में क्या लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिखा, डॉट गेट लिखा, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट लिखा, ठीक है, एलिमेंट लिखा। एलिमेंट लिखने के बाद फिर यहाँ पे बी बाय लिखना है, ये स्मॉल है कैपिटल है वो आपको ध्यान रखना है, आई कैपिटल है और आपका डी स्मॉल है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, उसके अंदर फिर हमें क्या लिखना है, इनवाइटेड के अंदर हमें लिखना है जो ऊपर हमने क्लास ली थी डेमो के नाम से, तो यहाँ पर भी हमें डेमो के नाम से ही क्लास बनाना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमने डॉट लगाया, इनर लिखा, इस क्लास को हमने किसके साथ में अटैच कर लिया, एच टी एम एल, क्योंकि एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं। स्पेस दिया, फिर इक्वल टू, फिर स्पेस दिया। अब कैसा मैथ का फंक्शन बना रहे हैं, मैथ डॉट कैसा फंक्शन बनना है, डॉट के साथ में एस क्यू आर टी, तो एस लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एस क्यू आर और टी, इस तरीके का हमारा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा और ब्रैकेट के अंदर जो हम वैल्यू देंगे और उसको सेमी कोलन द्वारा फिनिश कर दिया जाएगा लाइन को। अब यहाँ पे हम कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने दी वैल्यू यहाँ पे 225, तो 225 को आपको पता नहीं है अभी कि ये कितने का ये स्क्वायर रूट होता है, तो अभी आपके सामने देखो पूरा प्रोग्राम शो करके दिखा देगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं कहाँ पर, फाइल में, फाइल में जाके इसको प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सेव एस में जाते हैं, सेव एस में ये हमारी फाइल ओपन होती है, डेस्कटॉप पे ये प्रोग्राम बनना है अपना। और फाइल नेम में जाने के बाद ये क्या करना है, इसको जिस नाम से बनाना है, मैंने धार के नाम से लिख लिया है, डॉट इसको किसके साथ जोड़ देना, एस टी एम एल के साथ में जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद ये आपकी एग्जिस्ट फाइल बता रहा है उसी में सेव करना है, यस। तो ये हमारी फाइल किसके नाम से सेव हो गई, धार के नाम से हो गई। अब जो हमारा आप जो फाइल बनाई थी अभी सेव की थी वो हमारी फाइल डेस्कटॉप पे शो करके दिख रही है धार के नाम से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारी फाइल शो करके आ रही है। अभी यहाँ पे जा करके ब्लू लाइन पे आ करके इसको अलाउ कंटेंट में यस करेंगे, फिर वार्निंग डेटा को भी यस कर देंगे, तो हमारा ये डेटा आ चुका है आउटपुट। जो हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैथ फंक्शन लिया था, डॉट एस क्यू आर टी फंक्शन था स्क्वायर रूट, तो हमने अंदर कितना लिखा था 225, तो 225 का किसका स्क्वायर रूट होता है आपको सभी को पता होगा, ये आता है 15 का, तो 15 हमारा आंसर आ रहा है सही। अब यहाँ पे कोई वैल्यू हम दूसरी चेंज कर लेते हैं वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे 400 कर लिया तो 400 का कितना होता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही करेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा कितना बता रहा है, 20 बता रहा है। तो ये हमारा डेटा दिखा रहा है कि जितने का हम बना रहे हैं क्या स्क्वायर रूट, तो उतने का ही हमारा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने शो कर देगा। जावा स्क्रिप्ट में हमने HTML की सहायता से हमने स्क्वायर रूट का आज हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जो हम आपको इस तरीके के सारे प्रोग्राम्स बता रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी सीखना है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड आपको जब ही समझ में आएगी ये प्रोग्राम्स आपको आने लगेंगे, ठीक है। और इसमें कोई दूसरी वैल्यू हम रिटर्न करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मान के चलो मैंने कर दिया 5 कर दिया, 5 का करने के बाद इसको देखते हैं इसका रूट क्या बताता है इसका, और उसको सेव किया। सेव करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका रूट किस में आ रहा है, पॉइंट में आएगा। क्यों पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में इसलिए आएगा क्योंकि ये वैल्यू कैसी है वो कट नहीं रही है प्रॉपर तरीके से इसका रूट से, तो कितना आ रहा है 2.2360 ऐसा बहुत सारा बड़ा डेटा आ रहा है।
तो आज समझ में आ गया, आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम देंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल के आपके सामने दे देगा। तो जैसे मैंने 885 लिखा, इसका क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे जो शो कर देगा वो भी आपके पॉइंट में आ रहा है, 29 पॉइंट करके ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा हमारा शो करेगा जो स्क्वायर रूट में यहाँ पे शो कर देगा। 88 का कितना होता है स्क्वायर रूट वो भी यहाँ पे हम देखेंगे, करके डेटा को सेव करेंगे कंट्रोल एस की सहायता से, तो ये बता रहा है। तो जो भी आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे सामने शो कर देगा। 144 का कितना होता है आपको सभी लोगों को पता होगा ये स्क्वायर रूट, हम आपके सामने ये प्रोग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपको ये प्रोग्राम सही समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा यहाँ पे, आज की क्लास में और वीडियो में हमने सीखा कि स्क्वायर रूट जावा स्क्रिप्ट में HTML की सहायता से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको कोशिश की बताने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। जब आप एक प्रोग्राम मैं बनाता हूं तो आपको ऐसे ही प्रोग्राम 5-6 सेम रिलेटेड बनाएं और उसको अलग अलग वैल्यू में कन्वर्ट करके सिखाएं, तब आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आएंगी प्रॉपर। एक प्रोग्राम को 10 बार बनाएं तब आपकी प्रैक्टिस होगी सही प्रॉपर समझ में, नहीं तो क्या है कहीं ना कहीं गलतियां भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गलतियां हो जाती हैं तो घबराना नहीं है, उसको गलती को चेक करना है कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। और हमारी वीडियो सारी धर्मेंद्र सर 91 के नाम से जो चैनल है उस पर सारी डेटा हमारा सारा इकट्ठा इंक्लूड है। तो वन बाई वन आप सारी क्लासेस को, मैंने क्लास के नाम भी दिया है कौन सी क्लास है, इसलिए मैंने दिया है जिससे आपको कोई भी डेटा को समझ में दिक्कत नहीं आए, वन बाई वन आपको मिलती रहे सारी क्लासेस। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारी वीडियो को वॉच कीजिए और सारे प्रोग्राम्स को रन करिए, रन करने के बाद आपको समझ में आएगा प्रोग्रामिंग क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।